फेडरेशन जो है इस समय जो उसका उद्देश्य है, जो आप सबको इनवाइट किया गया था, उसके पीछे एक ही काम था कि बनारस में हमने एक जगह देखी थी एरोरा के पास मिर्जापुर क्षेत्र में जो आता है, वहाँ 300 एकड़ हमने जगह किसी दोस्त के जरिए लिया है और वो जगह पर हम फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। ये 5-6 साल से मेरा प्रयास चल रहा था। पहली बार किस प्रकार के फिल्म का लोकार्पण करना चाहते हैं आप? मैं तिवारी जी, फिल्म सिटी बनाने का क्या उद्देश्य है? फिल्म सिटी बनाने का उद्देश्य है कि जब यहाँ पर हमारे बॉम्बे से लोग आते हैं शूटिंग करने के लिए तो उनको तमाम सुविधाएं नहीं मिलती हैं। फिल्म सिटी के अंदर इक्विपमेंट होंगे, लोकेशन होगा, प्रॉपर उनके रहने के लिए 5-स्टार होटल होंगे जो एक लिमिटेड एक सही रेट पर उनको दिए जाएंगे, एक प्लेस पर उनको तमाम शूटिंग करने के लिए काम करने की जगह मिलेगी, इसलिए फिल्म सिटी बना रहे हैं। और साथ में यहाँ के लोकल लोगों के लिए काम मिले, रोज़गार मिले। बॉम्बे से लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ के लोग ऐसे अधूरे रह जाते हैं दर्शक। लगभग कितना बजट है फिल्म सिटी का? फिल्म सिटी बनाने का 3,000 करोड़ तक का लगेगा इसमें खर्चा। ये धीरे धीरे कई स्टेप में बनेगी, एक साथ नहीं बन पाएगी। शूटिंग शुरू हो जाएगी, लोगों का आना जाना शुरू होगा, इसमें थीम पार्क बनेगा, कई कंपनियां इसमें मिल रही हैं, ओवरसीज़ की भी हैं, इंडिया की भी हैं, और सबसे बड़ी जो सहयोग है वो बनारस के लोगों का रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोग यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आता रहेगा। ये कितने एरिया में बन रहा है आपका? 300 एकड़ में। और ये कब तक बनकर तैयार होगा? हमारी ख्वाहिश है तो कल से शुरू हो जाए, मगर ये मुश्किल है। ये 2020 तक यहाँ शूटिंग उसके अंदर शुरू कर देंगे हम। तमाम चीज़ें बनने में तो वक्त ज़रूर लगेगा, मगर 2020 तक वहाँ पर शूटिंग का श्री गणेश होगा। बनारस में लोग आते हैं यहाँ के घाटों के लिए, चाहे बॉम्बे की यूनिट ही क्यों ना हो, तमाम चीज़ों के लिए, गलियों के लिए, जैसे कि जिसके लिए जाना जाता है। ऐसे में आप अपनी फिल्म सिटी में क्या देंगे? हमारी फिल्म सिटी सिर्फ घाटों के लिए, जो लोग आते थे बड़े घाटे में जाते थे, सिर्फ घाट की शूटिंग करने के लिए 100 आदमी की यूनिट लेकर आना, फ्लाइट से आना जाना, होटल रहना, तो उनको घाट के अलावा भी कुछ जो मटेरियल चाहिए वो फिल्म सिटी में देंगे। तिवारी जी, अक्सर देखा जाता है कि जो यूनिट आती है स्थानीय कलाकारों के साथ काफ़ी शोषण होता है, तो आपके फेडरेशन द्वारा क्या किया जाएगा स्थानीय कलाकारों के लिए? दरअसल क्या है कि हम उनको पहले तो ट्रेन करेंगे, जब हमारी फिल्म सिटी बनना शुरू होगी तो लाइट मैन भी यहीं का होगा, स्पॉट बॉय भी यहीं का होगा। उसके साथ क्या होगा कि उसको रेट जो है बॉम्बे का रेट उसको एक पता चलेगा कि मुझे क्या मिलने वाला है, तो शोषण तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। फिर हमारे एसोसिएशन के लीडर हैं, वो उनको देखेंगे कि किसको क्यों पैसा कम मिला, तो जब भी यदि कोई काम दिला रहा है, काम दिलाने के नाम पर शोषण करेगा, उसको रोकने के लिए ही एसोसिएशन बनती है। वाराणसी में कितने लोगों को इससे रोज़गार मिल सकेगा? 1,00,000 लोगों को रोज़गार मिल सकता है, वो डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, और इनडायरेक्ट लोगों के साथ कम से कम 5,00,000 लोग और जुड़ सकते हैं। सरकार से कैसी मांग करते हैं? सरकार की ड्यूटी है कि उसके ऐसे शहर में, ऐसी जगह पर जो विकसित नहीं हो पा रहा है उसको विकास दिया जा रहा है, उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जा रहा है, फिल्म सिटी का नाम दिया जा रहा है, तो सरकार का अपना एक ड्यूटी बनता है कि वो इंटरटेनमेंट के नाम पर जो करती है हर प्रदेश की सरकार, यहाँ की भी सरकार करे, उससे हम रिक्वेस्ट करेंगे। विकसित और अविकसित की बात क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारा वाराणसी विकसित नहीं है? वाराणसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं स्टूडियो बना रहा हूँ। पूरे के पूरे पहाड़ है। बनारस यदि अविकसित होता तो मैं बम्बई कैसे पहुँचता? अच्छा, वाराणसी और आसपास जिलों से जो लोग फिल्मी करियर बनाने के लिए मुंबई जाते हैं और तमाम शोषण का शिकार भी होते हैं, तो ऐसे में ये जो फिल्म सिटी बन रही है उनके सपनों को कितना पंख देगी? उनके ही सपनों के लिए बन रही है एक्चुअली। जो बॉम्बे चले गए हैं वो भी लौटना चाहते हैं, क्योंकि लोकल लोग जो हैं, जो भूमिपुत्र हैं, यदि वहाँ के भूमिपुत्र के लिए वहाँ के लोग लड़ते हैं तो क्या आपकी ड्यूटी नहीं कि यहाँ के भूमिपुत्र के लिए आप भी सोचें, मीडिया सोचे, वो तमाम लोग सोचें, हम सोचें, क्योंकि हम भी यहीं के हैं, तो हम भूमिपुत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा फ़र्ज है जिसे हम लोग निभाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आजकल मीटू चल रहा है जी, तो उसमें लिए क्या कहना चाहेंगे? फिल्म सिटी में बहुत तगड़े से ये सब चल रहा है। देखिए, मीटू का ये है कि हम इनके साथ बैठे हैं,
बात करते करते यदि हमने इनको यहाँ रख दिया और आपने देख लिया और इनको किसी तरीके से हमने वो काम जिनको देना है नहीं दे पाए, तो एक साल दो साल के बाद इनको लगा कि यार उस आदमी ने बहुत से लोगों को काम दिया और मुझे क्यों नहीं दिया, तो ये बोल सकते हैं कि उसने गलत तरीके से मुझे देखा या गलत तरीके से छुआ। मी टू यही है, मी टू जो खो चुके हैं उनको फिर से जागृत करने के लिए आया है। नहीं, बहुत से अभिनेत्रियों ने भी इस तरह का लगाया आरोप, तो आपको क्या लगता है उनको भी बस केवल छुआ गया होगा? ये फिल्म इंडस्ट्री है। हाँ, हमारी इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, बड़ा ओपन इंडस्ट्री है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। फिल्म इंडस्ट्री की कहानी ये है कि हमारे बारे में लोग जानना चाहते हैं, हमें देखना चाहते हैं कि हम कैसे रहते हैं, हमारे हीरो किस तरह से रहता है, हमारी हीरोइन कैसे रहती है, वो किस तरह से खाता है, किस तरह से पहनता है, कहाँ जाता है। अभी हाल में नाना पाटेकर के ऊपर अभिनेत्री ने जो आरोप लगाया है, क्या ये सही है या गलत? देखिए, यदि केस कोर्ट में नहीं होता तो मैं आपको अभी आंसर दे देता, मगर एक कोर्ट में केस चल रहा है, जुडिशरी से ऊपर मैं नहीं हूँ, मगर कहीं ना कहीं यदि धुआं है तो चिंगारी भी होगी। मैं ये नहीं कहता कि कौन ज़्यादा अपराधी है कौन कम है। इस बात को आप स्वीकारते हैं कि फिल्म लाइन में भी इस तरह की हरकतें होती हैं? कोई लाइन ऐसी नहीं कि जहाँ ये सब बातें, जहाँ आदमी है चाहे वो मीडिया है चाहे फिल्म है, ये है तो है, जिसके पकड़ेंगे जिसके पकड़ेंगे। फेडरेशन जो है 26 एसोसिएशन की मदर बॉडी है, हम एक फादर की तरह एक अम्ब्रेले की तरह उन तमाम एसोसिएशन की सुरक्षा करते हैं। हम किसी से पैसे नहीं लेते, पैसे हमारी एसोसिएशन के दूसरे एसोसिएशन के लोगों को लेकर के मेंबर बनने की फीस ली जाती है। यदि हम आपकी सुरक्षा करते हैं तो वो बेईमानी लगती है, झूठी लगती है, यदि कुछ आपसे लिए नहीं तो क्या आपसे हम कुछ लेते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, आपकी सेवा मुझे करनी है। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं। ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाएगी, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो एक्टिंग का हो, इस तरह की? बिल्कुल, हम लोगों ने बरसों ट्रेनिंग लेकर के सीखा और यहाँ आपके सामने बोल रहे हैं, तो कोई भी आदमी सिर्फ हमें जानता है इसलिए जान जाएगा काम, ऐसा नहीं है। पानी पिलाने का भी एक बड़ी ट्रेनिंग होती है कि पानी इधर से देना है कि उधर से देना है। यहाँ पर जो वेटर काम करता है वो ट्रेंड है इसलिए काम करता है। हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी कलाकार हैं, जो भी टेक्नीशियन हैं, मजदूर हैं, वो ट्रेंड हैं। यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाएगी और सब कुछ सिखाया जाएगा।